हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम सुखविंदर है एंड आज मैं लेके आऊँ एक और वीडियो आपके सामने। इस वीडियो में बात करेंगे पीट्रॉन के इन बेस बर्ड्स लाइट के बारे में। ये पीट्रॉन के वायरलेस बर्ड्स बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हैं, ये हजार रुपए में मिल जाते हैं आपको। तो क्या आपको हजार रुपए में ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके फीचर्स। उससे पहले हम जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसका आपको क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये पीट्रॉन के बर्ड्स अपने फोन के साथ कैसे पेयर करने हैं और आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पे कोई टच सेंसर या फिर कोई मैग्नेटिक सेंसर वगैरह नहीं है, तो आपको मैनुअली ही करना पड़ता है सब कुछ। फिर बटन्स बने हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं कि आप निकालोगे तो ऑटोमेटिक पेयर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसे ऑन इसको निकालेंगे पहले केस से, उसके बाद आपको इसे ऑन करना है इन बटन्स को दबा के। तो देखिए, ऑन हो गया और पेयरिंग में चल गया, देखिए ब्लिंक हो रहा है, मीन्स ब्लू और रेड मतलब पेयरिंग में है। अब हम जाएंगे अपने फोन पे और इसे पेयर करेंगे। तो आपको पीट्रॉन बेसबर्ड्स लाइट दिख गए, इसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, ये एसबीसी में कनेक्ट हुए हैं और अंदर कोई ऑप्शन नहीं है एसी का, तो आप इसको सिर्फ एसबीसी में ही यूज कर सकते हो। आपको कोई ऑप्शन नहीं है इसे एसी वगैरह करने का, तो कोडेक सबसे लोएस्ट सपोर्ट है इस पे एसबीसी की। तो फ्रेंड्स, एक चीज है, जो लेफ्ट वाला बर्ड है इसे अगर आप तीन बार टैप करते हो तो आपका गूगल असिस्टेंट या फिर अलेक्सा या फिर सीरी जो भी एक्टिवेटेड है वो कनेक्ट हो जाएगा। और राइट वाले बर्ड में अगर आप तीन बार टैप करेंगे तो लास्ट जो भी आपने कॉल किया था वो कनेक्ट हो जाएगा। और मैं सॉन्ग्स बजा रहा हूँ और अगर मुझे प्ले पॉज करना तो सिंगल टैप, देखिए पॉज प्ले, लेफ्ट वाले में भी सेम प्ले पॉज, ठीक है। सॉन्ग चेंज करना डबल टैप, देखिए नेक्स्ट सॉन्ग आ गया, डबल टैप नेक्स्ट सॉन्ग आ गया। प्रीवियस सॉन्ग में जाना है, डबल टैप लेफ्ट वाले को, डबल टैप लेफ्ट वाले को, इसी तरह नेक्स्ट सॉन्ग डबल टैप राइट वाले को, डबल टैप राइट वाले को, लेफ्ट वाले को डबल टैप, प्रीवियस सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग। तो ये कंट्रोल्स अच्छे दिए हुए हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ये था हम इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन के साथ और क्या क्या ऑप्शंस थे आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली, आपने देखा कैसे छोटे से इस केस में आते हैं, बहुत ही छोटा केस है। अगर स्पेक्स की बात करें, स्पेक्स तो बहुत बढ़िया है। इस पर आपको 10 mm का ड्राइवर दिया गया है पीट्रॉन के थ्रू, हर दोनों बर्ड्स में 10 mm के ड्राइवर्स लगे हुए हैं। ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट है और फ्रेंड्स एसी और APTX सपोर्ट नहीं है इसमें, ओनली एसबीसी, सिर्फ एसबीसी में ही कनेक्ट होते हैं ये, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो गेम्स के लिए तो एकदम नहीं बने हुए, गेमिंग के लिए तो गलती से हम अपने लीजिएगा, बहुत डिले आएगा। इसके बाद चार्जिंग केस में आपको माइक्रो यूएसबी स्लॉट मिलता है और कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। बैटरी की बात करें तो बर्ड्स की जो बैटरी है वो 50 mAh की है, दोनों बर्ड्स में 50-50 mAh की बैटरी लगी हुई है 50 mAh की, और जो केस है इसमें 400 mAh की बैटरी लगी हुई है। तो आप इन बर्ड्स को अकॉर्डिंग टू पीट्रॉन 6 घंटे लगातार म्यूजिक सुन सकते हो, और इसके अलावा आप इस केस से इसे 3 बार एटलीस्ट चार्ज कर सकते हो। मैंने इसे यूज किया था, बहुत मुश्किल से मैंने यूज किया क्योंकि मुझे साउंड क्वालिटी, मैं आपको क्या बताऊं, उतनी अच्छी तो लगी नहीं, तो मुझे मजबूरी में सुनना पड़ा देखने के लिए कि बैकअप कैसा है। बैकअप अच्छा था, आराम से मुझे 8 घंटे का बैकअप मिल गया था 50% वॉल्यूम में। अगर बात करें इनकी डिजाइन की, इसमें कोई मैग्नेटिक केस नहीं है, केस बहुत ही नॉर्मल है, क्लिक वाला केस है, क्लिक होता है, कोई मैग्नेटिक नहीं है। और बर्ड्स भी इसी तरह के, बर्ड्स भी कोई मैग्नेटिक नहीं है, इन्हें भी आपको निकालना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है वापस, उसे पुश करना पड़ता है, फिर लॉक होते हैं। नीचे चार्जिंग के लिए ऑप्शन बना हुआ है, तो नीचे कनेक्ट हो जाता है, चार्ज होने लग जाते हैं। तो अगर बात करें साउंड क्वालिटी की, तो फ्रेंड्स साउंड क्वालिटी ओके है, इतनी बढ़िया साउंड क्वालिटी नहीं है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ साउंड के लिए लेना है, म्यूजिक के लिए लेना है, तो फ्रेंड्स ना ले, म्यूजिक के लिए तो एकदम नहीं है। हाँ, नॉर्मल कॉलिंग के लिए आप ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कॉल के लिए लेंगे सस्ते में आपका काम चल जाएगा, लेकिन म्यूजिक के लिए तो नहीं बने हुए हैं। क्योंकि मुझे बेस फिर भी ओके लगी, लेकिन बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ना पूरे मिक्स हो जा रहे थे, मीन्स कुछ सेपरेशन आपको फील ही नहीं होगा, अजीब सा लगेगा, जैसे कोई चाइनीज ईयरफोन सुन रहे सस्ते वाले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ ये सब जब कनेक्ट करते हो अपने ईयर्स के ईयर्स में तो ये कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको पहले राइट वाला दिखाता हूँ, फिर लेफ्ट वाला दिखाता हूँ। ये मैंने राइट वाला वेयर कर लिया है, बहुत ही सिंपल है वेयर करने का टेक्निक, बहुत सिंपल टेक्निक है वेयर करने का। अब मैंने लेफ्ट वाला वेयर कर लिया है, तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट और राइट,
कोई टच कंट्रोल्स नहीं है, दोनों में बटन्स बने हुए हैं, आप बटन से ही कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ भी बटन, आपको प्रीवियस सॉन्ग सुनना है और नेक्स्ट सॉन्ग सुनना, सब कंट्रोल्स होते हैं। अब अगर बात करें माइक क्वालिटी की, तो माइक क्वालिटी डिफरेंस ओके ओके है, क्योंकि इतना सस्ता प्रोडक्ट है, 1000 रुपये में दे रहा है पीट्रॉन, तो आप कुछ ज्यादा ऐसा सोचोगे नहीं कि हाँ आपको नॉइस कैंसिलेशन फीचर्स वगैरह मिले। नॉर्मल है, दोनों में एक एक माइक लगा हुआ है, तो आप दोनों को इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो, और अगर आप एक साथ अगर यूज करते हो तो माइक कैसा मैं आपको सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इस बर्ड्स को लगाया हुआ है, इन बर्ड्स से बात कर रहा हूँ, आपको एक आइडिया हो रहा होगा इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। माइक क्वालिटी ओके ओके है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा लाउड भी बोल रहा हूँ, और कोई फैन वगैरह मेरे रूम में ऑन नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं फैन ऑन करता हूँ तो आवाज कैसी आती है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपने रूम का फैन ऑन कर लिया, आपको एक आइडिया होगा कि अगर फैन ऑन कर लेते हैं तो आवाज कैसी आती है। इसका माइक ओके है, बैकग्राउंड नॉइसेस भी आ रही है, लेकिन ठीक है, आप काम चला सकते हैं। 1000 रुपये में आपको तो वायर्ड भी मिलते हैं, आपको वायरलेस मिल रहा है, तो इतना भी खराब नहीं है। जिन्हें मस्ती करनी है, वायरलेस मिल जाए सस्ते में, ट्रू वायरलेस मजा लेना है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है कॉलिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर साउंड क्वालिटी की बात करें, तो साउंड क्वालिटी फ्रेंड्स 1000 रुपये में आपको क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया भी नहीं है और बहुत बहुत ही ज्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन जिनको म्यूजिक ले लेना है उनके लिए तो नहीं बने हैं। अगर आप सिर्फ कॉलिंग के लिए ले रहे हो तो दैट इज फाइन, तो आप इसे यूज कर सकते हो, अच्छा खासा 6-8 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, आप लगातार कॉल्स पे बात कर सकोगे, उसके लिए सही है। लेकिन अगर आप म्यूजिक वाले बंदे जिसको म्यूजिक पसंद है, अच्छे सॉन्ग सुनने, अच्छी क्वालिटी के साउंड चाहिए, उनके लिए फ्रेंड्स ये नहीं है। बेस कुछ हद तक अच्छी है, मीन्स अगर पीट्रॉन थोड़ी साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा अगर सोचता तो मुझे तो लगता है इसके ड्राइवर्स अच्छे हैं, क्योंकि अगर बेस वो अच्छे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स ड्राइवर्स अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि इसका जो चिपसेट है वो अच्छा नहीं है, इस तरह की साउंड क्वालिटी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। बेस में मैं इसे फिर भी 4 out of 5 देता हूँ, क्योंकि बेस अच्छी है, बेस खराब नहीं है, मैंने वाइपर ऑडियो से ट्राई किया था इंक्रीज करने का, अच्छा खासा बेस इंप्रूव हुआ था, लेकिन ट्रेबल्स और वोकल्स में बहुत बेकार, 2.5 दूंगा मैं, 2.5 out of 5, मजा ही नहीं आएगा, बहुत अजीब सा लगेगा, जैसे कुछ पता नहीं क्या बज रहा है, झुंझुना टाइप का, फालतू टाइप। जिनको कॉलिंग के लिए लेना है उनके लिए तो अच्छा है, म्यूजिक के लिए ओके ओके प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, म्यूजिक के लिए गलती मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ कुछ इश्यूज की जो मैंने फेस किए इन्हें यूज करते हुए। तो सबसे बड़ा इशू मुझे ये फील हुआ कि जब मैं इसे यूज कर रहा था तो ये ना आपस में कभी कभी ना डिसकनेक्ट से हो जाते थे, मीन्स एक में साउंड आती थी चली जाती थी, फटाक से फिर वापस कनेक्ट हो जाते थे, दोनों आपस में साउंड आने जाती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की, मैंने इसे जब लगाया तो मैंने एक ऊपर ऐसे हाथ रख दिया, तो देखा मैंने डिस्कनेक्ट हो गया, आपस में जो कनेक्टिविटी है ना इनकी काफ़ी सस्ता सा है, मीन्स बीच में आप हाथ भी रख देते हो तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, काफ़ी वीक टाइप का लगा मुझे। अब इतना सस्ते में दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो चलिए आपको ये सब इग्नोर करना पड़ेगा, और बाकी अगर आप पूछें क्या मैं ये रिकमेंड करता हूँ, तो फ्रेंड्स 1000 रुपये में अगर आप फॉर टाइमिंग सिर्फ कॉलिंग के लिए लेना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ले सकते हो, आपको नॉर्मली 500-600 में, 1000 में तो नॉर्मल वायर्ड वाले ईयरफोन्स आते हैं। तो अगर आपको साउंड क्वालिटी से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए कि हाँ मैं कॉल कर पाऊँ और वायरलेसली कॉल करूँ और मीन्स थोड़ा ट्रू वायरलेस का मज़ा ले पाऊँ, तो ये ओके है, क्योंकि इतने कम में ये दे रहा है पीट्रॉन, बहुत बड़ी बात है कम में देना। ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो इन पीट्रॉन के बेसबर्ड्स लाइट के बारे में, होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, जिनको लेना हो पीट्रॉन के लिए फायदेमंद हो, उनके लेना है कि नहीं लेना उनके आइडिया आ गया हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और वीडियोज लेकर आ सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।